बस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ रश तिवारी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कंट्रोल ग्रुप के ऑफिस में यूएचडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। संवाद से जारी हुए टेंडर मामले में ग्रुप से जुड़े हुए लोगों से ये पूछताछ की जा रही है। ईओडब्ल्यू के अधिकारी करीब 12 बजे से यहाँ टीम उनकी पहुंची हुई है। कंट्रोल ऑफिस के बाहर पुलिस की टीम मौजूद है। किसी भी शख्स को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर कंट्रोल ग्रुप पर ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। किसी भी शख्स को अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है और ना ही किसी भी शख्स को जो अंदर मौजूद है उसको बाहर जाने की कोई परमिशन है। तो कंट्रोल ग्रुप पर यह छापामार कार्रवाई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ये छापामार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टीमें मौजूद हैं और लगातार पूछताछ जारी है। आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला बताया जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। पुलिस की मौजूदगी, जवानों की मौजूदगी देख सकते हैं। महिला कांस्टेबल भी मौजूद हैं। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हेमंत शर्मा रायपुर से हम लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत जिस तरह से हेमंत, ये जो छापामार कार्रवाई कंट्रोल ग्रुप में की जा रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये छापा मारा है, क्या लगता है क्या कुछ निकल के आ सकता है? हाँ देखिए, इसको पिछले सरकार के दौरान विज्ञापन घोटाले की जो जांच है वो अब तेज कर दी गई है। यहाँ पर जो अंबुजा मॉल स्थित कंसोल इंडिया और क्यूब इंडिया का जो ऑफिस है वहाँ पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। करीब 15 से जो ज्यादा अधिकारियों की टीम है वो अंदर अभी जो यहाँ से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। और जो जानकारी हमें मिलकर निकल कर सामने आई है, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज टेंडर से संबंधित यहाँ से जब्त किए गए हैं। पिछली सरकार के दौरान ये देखा गया था कि जो टेंडर है वो इस कंसोल ग्रुप और ट्यूब इंडिया ग्रुप को मिला था। सरकार पिछली सरकार के चेहरा चमकाने की जो कोशिश एक तरीके से चेहरा चमकाया इसी ग्रुप के जरिए गया था। अभी तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर अभी इस मामले के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवानों को भी बुलाया गया, महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर मौजूद है और अभी ये कार्रवाई कुछ देर और चलेगी। लेकिन जो जानकारी अभी मिली है उसके मुताबिक 12 बजे के आसपास से जो ईओडब्ल्यू की टीम है वो यहाँ पर, तो जिस तरीके से ज्ञापन घोटाला पिछली सरकार के दौरान हुआ था उसकी जांच अब तेज कर दी गई है। इस मामले में नई सरकार बनने के बाद एफआईआर की गई थी और एफआईआर के बाद इसमें शुरुआती जांच की गई, लेकिन इसमें अब प्रारंभिक जांच के बाद जो और जांच की कड़ियां हैं वो जुड़ती गई और जांच इसमें तेज कर दी गई है। जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने कंट्रोल ग्रुप पर यह छापामार कार्रवाई की है और लगातार आप भी बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि जांच को तेज कर दिया गया है, अगर फर्स्ट प्राइमरी फेज में अगर हम देखें तो क्या कुछ ऐसी अनियमितताएं पाई गई थी? क्योंकि संवाद का भी टेंडर था, उसके चलते भी ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। और वहीं जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लगातार जो विपक्ष है वो बदले की राजनीति का आरोप भी लगाया है। तो इस दौरान ये जो छापामार कार्रवाई हुई है इसको किस तरह से देखते हैं फिर? देखिए, इससे पहले इस पूरे मामले को मैं बताना चाहूंगा। जब पिछली सरकार यहाँ पर काम कर रही थी तो संवाद के जरिए जो एडवर्टाइजिंग का काम है वो होता था और संवाद के जरिए ही अनेक ग्रुपों को इसका जिम्मा सौंपा जाता था। तो उसी के तहत क्यूब इंडिया और कंसोल ग्रुप को जिम्मा सौंपा गया था और चेहरा हेमंत रोकना चाहूंगी, मतलब आपका आप जिस तरह से जो जानकारी दे रहे हैं वो ये कि संवाद यहाँ पे फर्स्ट पार्टी थी और उसके संवाद के जरिए दूसरी पार्टियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, मतलब संवाद यहाँ पे पर्टिकुलर फर्स्ट पार्टी जिसको सरकार ठेके पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि संवाद के जरिए ही सीधे तौर पर टेंडर वहाँ वो दिया गया जाता था और उसी संवाद के जरिए इन दोनों ग्रुपों को जो टेंडर है वो मिला था। नई सरकार आने के बाद इसमें कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पर जांच होगी, क्योंकि जब विपक्ष में कांग्रेस थी उन्होंने जोर शोर से इसका मुद्दा उठाया था और उसके बाद सरकार में आते ही इसका जांच का ऐलान किया गया और उसी जांच के तहत ये जो संपूर्ण कार्रवाई है वो की जा रही है। और
अभी क्यूब इंडिया और जो कंसोल ग्रुप है दोनों के ऑफिसों पर छापेमार कार्रवाई यहाँ पर की गई है। 15 से अधिक जो अधिकारियों की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। जो AOW के SP हैं सदानंद कुमार, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा DSP स्तर के जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो अब जिस तरीके से विज्ञापन घोटाला वहाँ पिछली सरकार में हुआ था तो उसकी जाँच तेज कर दी गई है। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ से जब्त किए गए हैं, हालांकि इसकी पुष्टि AOW के अधिकारियों ने अभी नहीं की है। ठीक है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कंसोल ग्रुप और इक्विप इंडिया में जिस तरह से जो क्यूब इंडिया में ये छापामार कार्रवाई की जा रही है, क्या नेक्सस निकल के सामने आ रहा है इन दोनों का? फिर देखिए रस्क 12 बजे के आसपास AOW के 15 से अधिक की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और अभी भी यहाँ पर लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ अधिकारी बाहर निकले थे, हालांकि उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी वो हमें दी है, उन्होंने यही बताया कि इसमें जाँच में अभी काफी समय लग सकता है क्योंकि 12 बजे के आसपास टीम यहाँ पर पहुंची है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ से जब्त किए हैं, लेकिन जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कयास नहीं लगाए जा सकते कि क्या कुछ चीजें यहाँ से जब्त हुई है। जैसे कार्रवाई खत्म होती है तब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ से जब्त किए गए हैं। हालांकि अंदर जो टेंडर से संबंधित दस्तावेज हैं उसको AOW के अधिकारियों ने मंगाया है और उसकी बारीकी से जाँच वो कर रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप के किन किन अधिकारियों की मौजूदगी देखी जा सकती है और कितना और वक्त लग सकता है इस पूरी कार्रवाई में? हाँ देखिए, कंसोल ग्रुप के जो यहाँ पर मैनेजिंग हेड हैं, इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी को बुलाकर AOW की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है और बारीकी से जो दस्तावेज हैं उसका अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है। टेंडर से संबंधित सभी दस्तावेज हैं, उसी दस्तावेजों का यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है। कुछ दस्तावेज यहाँ से जब्त करके जो AOW की टीम है वो लेकर जाएगी, उसका बारीकी से एक बार और परीक्षण किया जाएगा और फिर कुछ और दस्तावेजों की अगर जरूरत पड़ती है तो फिर एक बार यहाँ पर ग्रुपों में दबिश दी जाएगी। बहुत शुक्रिया हेमंत, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो कंसोल ग्रुप पर AOW एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यह छापामार कार्रवाई की है। 12 बजे के आसपास कंसोल ग्रुप के दफ्तर पहुंची थी AOW की टीम, जहां पर लगातार कार्रवाई जारी है।